आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या चीज़ है। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ वर्ड्स रैंडमली यहाँ पे लिख दूँ, जैसे कि R U A N K, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, पर ये है डेटा। पर अगर मैं इसे प्रोसेस करता हूँ या फिर इसे सॉर्ट करता हूँ, तो जो कि मेरा नाम है A N K U R, तो ये एक, अगर हम इसे सॉर्ट कर देते हैं या फिर इसे हम प्रोसेस करते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो है अंकुर। तो डेटा है कोई भी रैंडम फिगर या फिर फैक्ट्स, इसे हम डेटा बोलते हैं। और जब हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो होती है हमारी इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर दो वर्ड्स को मिलकर बना हुआ है, डेटा एंड स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि डेटा को आप किस तरह से रखते हैं, डेटा को आप मेमोरी में किस तरह से स्टोर करते हैं। तो डेटा को किसी इस तरीके से स्टोर करना मेमोरी में जिससे वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये हमें ये भी बताता है कि डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक स्टूडेंट की, कोई भी स्टूडेंट ए बी सी की बात करता हूँ, तो हमें उसका नेम पता है, उसका नेम है ए बी सी, उसका रोल नंबर है 123, एंड उसकी क्लास है मान लीजिए बी टेक सी एस सी थर्ड सेम। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ये नाम, रोल नंबर और ये क्लास, तो ये जो तीनों डेटा हैं वो आपस में, इनका जो रिलेशनशिप है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करता है और उसके बीच का जो रिलेशन है वो हमें बताता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की। तो मेनली दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने सी और सी प्लस प्लस इससे पहले पढ़ी होगी, तो उसमें जो डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या फिर बुलियन, इन्हें हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इन्हें हम बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो भी यही चीज़ है, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। तो इन्हें बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे कि अगर हम इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर का मतलब है सिंपल नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3 या फिर 69 या फिर 5035, तो इन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट, जैसे हम पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में जब नंबर्स को शो करते हैं, स्टोर करते हैं, जैसे कि 1.2 या फिर 3.4 या फिर 15.1, इसे हम बोलते हैं फ्लोट। और कैरेक्टर्स हैं हमारे, जैसे कि ए बी या सी, ये कैपिटल में भी हो सकते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या फिर बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने पढ़ा कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट या करेक्टर। जब हम इन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को कॉम्बिनेशन, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसका हम यूज़ करना चाहें, तो उसे हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर कंसिडर्ड एज द यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर दैट अलाउज स्टोरिंग वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स विद इन वन एंटिटी। कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हैं, जैसे कि सपोज
वन है हमारा इंटीजर, ए है हमारा कैरेक्टर, एंड 3.2 है फ्लोट। अब हम जब ये तीन अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर करना चाह रहे हैं एक जगह में, तो उसको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या इससे होगा क्या कि हमें तीन अलग अलग डेटा टाइप्स को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो फर्दर दो अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है, जिसे हम बोलते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहले हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम डेटा को सिक्वेंशली स्टोर करते हैं, जैसे कि एरेज या लिंक लिस्ट या स्टैक्स या क्यूज। फॉर एग्जाम्पल, एरेज में हम डेटा को स्टोर करते हैं इस तरह से, 1, 2, 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा जो है वो एक के बाद एक आ रहा है, तो यहाँ पे भी सिक्वेंशियल मैनर में डेटा को स्टोर किया हमने। जब हम बात करते हैं स्टैक्स की, तो स्टैक्स में डेटा कैसे स्टोर होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.2। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डेटा को अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें एक्सेस करना पड़ेगा 1.2, फिर एक्सेस करना पड़ेगा 1, फिर एक्सेस करना पड़ेगा ए। पर जब हमने डेटा को डाला है तो सबसे पहले हमने स्टोर किया ए को, उसके ऊपर 1 को, और उसके ऊपर 1.2 को। तो डेटा को जब हम सिक्वेंशली स्टोर करते हैं मेमोरी में तो उसे हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जहाँ पे हम डेटा को रैंडमली स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रीज। अब ट्रीज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा कैसे स्टोर होगा? सपोज मुझे 1 से लेके 5 तक डेटा स्टोर करना है, तो मैं इस तरह से स्टोर करूँगा 1, 2, 3, 4। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 के बाद यहाँ पे इसी लेफ्ट साइड पे ही 5 आएगा, वो इस तरफ भी हो सकता है। तो रैंडमली जब डेटा को हम कहीं पे भी स्टोर करते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने आपको ट्रीज बताया, उसी तरह का एक और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ग्राफ। अब ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। सपोज यहाँ पे भी मुझे 1 to 5 स्टोर करवाना था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये जो 1, 2, 3 एंड 3, 4 एंड 5 है, ये होते हैं हमारे वर्टिसेस, और जो इसके बीच में कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं एजेस। इनके बारे में डिटेल में हमारा एक एक चैप्टर होगा जिसमें हम डिटेल में नॉन लीनियर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक रिक्वेस्ट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।